इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट वन, और इस प्रेजेंटेशन में हम इनहेरिटेंस जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे। हर बार की तरह जब भी हम कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं। तो जेनेटिक्स पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स से शुरुआत करेंगे ताकि जब हम डिस्कस करें चीज़ों को तो समझने में वो सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान हो जाएं। तो सबसे पहले ये दो टर्म्स देखते हैं, इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स। तो जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो उनकी प्रोजेनी में उनके बच्चों तक कैसे पहुँचते हैं तो उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस की जब हम स्टडी करते हैं, हेरिडिटी भी कहते हैं इसको, तो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस की जब हम स्टडी करते हैं और जिस भी स्पीशीज़ की हम पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं उसमें पाए जाने वाले वेरिएशंस की जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को, उस साइंस को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो वेरिएशन हर स्पीशीज़ में बहुत तरह के वेरिएशंस होते हैं। जैसे आप ह्यूमन स्पीशीज़ को ले लीजिए तो हाइट में बहुत सारे वेरिएशन हैं, स्किन कॉम्प्लेक्शन, आई कलर, तो इस तरह के वेरिएशंस की भी हम स्टडी जेनेटिक्स में करते हैं। और ये नेक्स्ट टर्म है ट्रेट। तो ट्रेट का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर फीचर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप स्टडी करें तो उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स होते हैं। जैसे हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो हाइट अपने आप में एक ट्रेट है उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का। तो अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं फिर से, तो हाइट, आई कलर, स्किन कॉम्प्लेक्शन, तो ये सब डिफरेंट ट्रेट्स हैं। और नेक्स्ट टर्म है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाया जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जो डीएनए और कुछ प्रोटीन्स का बना होता है। और क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम जेनेटिक्स के यूनिट भी कहते हैं। दीज आर कॉल्ड यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। और जीन्स ये क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। और जब हम मेंडलिज्म पढ़ेंगे तो मेंडल ने एक टर्म यूज़ किया था अपनी स्टडी में, फैक्टर। तो ये जो फैक्टर हैं ये एक्चुअली जीन्स ही हैं, क्योंकि मेंडल ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमें बताए थे जेनेटिक्स के, लेकिन उस समय तक ना क्रोमोसोम डिस्कवर हो पाया था ना जीन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो उसने उन यूनिट्स को, जो भी वो बात करता था तो उन यूनिट्स को वह फैक्टर कहता था। और क्रोमोसोम और जीन्स, इनके के डिटेल्स हमारे इन दो वीडियोस में अवेलेबल हैं, न्यूक्लियोसोम और व्हाट इज़ जीन। तो इन दोनों वीडियोस के लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और जीन्स के बारे में तो इन वीडियोस को देखें। नेक्स्ट टर्म है अलील्स। तो जब हम जीन्स की बात करते हैं तो ये किसी पर्टिकुलर फीचर को डिफाइन करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर फीचर ये एक्सप्रेस होते हैं जीन्स की वजह से। और उन जीन्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम अलील्स कहते हैं। जैसे हम पी प्लांट की बात करें तो 10th में आपने थोड़ी बहुत जेनेटिक्स पढ़ी हुई है, तो पी प्लांट में हमने ये कैपिटल टी और स्मॉल टी बताया था। पी प्लांट की हाइट, ये दो तरह के अल्टरनेटिव फॉर्म्स डिस्क्राइब करते हैं। तो पी प्लांट की जो हाइट है वह एक ट्रेट है, और कुछ जीन्स, एक पर्टिकुलर जीन इस ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इस जीन की जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इन दोनों फॉर्म्स को हम कहेंगे कि ये दो फॉर्म्स हाइट के जीन की दो डिफरेंट अलील्स हैं। और ये अलील्स, जैसे हमने फिर वही बात करी कि ये डिफरेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, हाइट ही एक्सप्रेस करेंगे लेकिन डिफरेंट तरह से करेंगे। अगर जो कैपिटल टी होगा ये टॉलनेस को एक्सप्रेस करेगा, और जो स्मॉल टी होगा ये शॉर्टनेस को एक्सप्रेस करेगा। तो इन अल्टरनेटिव फॉर्म्स को, एक ही जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम अलील्स कहते हैं। और अब हम ये दो टर्म्स डिस्कस करेंगे, होमोजाइगस कंडीशन और हिट्रोजाइगस कंडीशन। तो अब सबसे पहले ये बता दें कि हर इंडिविजुअल में किसी भी जीन के दो अलील्स पाए जाते हैं, पेयर्स में होते हैं अलील्स किसी भी जीन का। जैसे हर ट्रेट के एक एक जीन है, और एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म किसी ऑर्गेनिज्म में मिलती हैं। तो एक अलील उसे अपने
फादर से मिलता है और दूसरा अलील उसे अपनी मदर से मिलता है। तो किसी भी इंडिविजुअल में अलील्स पेयर में पाए जाते हैं। तो जब ये अलील्स दोनों एक जैसे हों, आइडेंटिकल हों, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। तो जैसे पी प्लांट में अगर कैपिटल टी की मौजूदगी है, यानी कि इस पी प्लांट को अपने फादर और अपने मदर दोनों से कैपिटल टी ही मिला, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को अपने दोनों पेरेंट्स से अलग अलग अलील मिले हों किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हिट्रोजाइगस कंडीशन। जैसे पी प्लांट की ही बात करते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी उसे एक पेरेंट से मिला और स्मॉल टी उसे दूसरे पेरेंट से मिला, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हिट्रोजाइगस कंडीशन। एक और टर्म बताते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। तो हेमीजाइगस क्या होते हैं कि किसी दो कॉपीज़ हैं और डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज़ हैं। जैसे हम जब सेक्स क्रोमोसोम पढ़ते हैं तो मेल में ये एक्स और वाई कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो एक्स और वाई कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। ये एक ही जीन की दो अलग अलग कॉपी नहीं है, ये अपने आप में ही दो अलग अलग जीन हैं। तो जब ये कंडीशन हो तो हम इसे कहेंगे हेमीजाइगस कंडीशन। अब हम ये दो टर्म्स डिस्कस करेंगे, जीनोटाइप और फीनोटाइप। तो अलील्स का जो प्रेजेंटेशन होता है, किसी पर्टिकुलर जीन के जो अलील्स का प्रेजेंटेशन होता है जब हम स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेट की, तो उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। जैसे किसी प्लांट में, पी प्लांट में ये कैपिटल टी मौजूद है, तो जब हम इसे कैपिटल टी इस तरह से जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो ये हम इस प्लांट का जीनोटाइप बता रहे हैं। और कोई जीनोटाइप किस तरह से फिजिकल फॉर्म में एक्सप्रेस होगा उसे हम कहेंगे फेनोटाइप। तो जैसे कैपिटल टी जो है वह टॉलनेस लेकर आएगा पी प्लांट में, उसी तरह से कैपिटल टी और स्मॉल टी ये शॉर्टनेस लेकर आएगा। लेकिन जो फेनोटाइप होता है उससे हम जीनोटाइप नहीं बता सकते हैं। किसी कुछ कंडीशंस में किसी पर्टिकुलर फेनोटाइप से हम जेनोटाइप नहीं बता सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का कि जैसे कैपिटल टी अगर हमें पता है तो हम तुरंत पता लगा लेंगे कि वह पी प्लांट टॉल ही होगा। लेकिन अगर कोई पी प्लांट टॉल है तो हम उसका जीनोटाइप नहीं बता पाएंगे कि वह कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्योंकि इन दोनों जीनोटाइप का एक ही फिनोटाइप होता है, दैट इज़ टॉलनेस। अगर किसी पी प्लांट में ये जीनोटाइप है, चाहे तो कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो, इन दोनों जीनोटाइप का एक्सप्रेशन, जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है, वह सेम होता है, एक ही होता है, और भी वह जो पी प्लांट है वह हमेशा टॉल ही होगा। तो ये बात करी हमने जीनोटाइप और फेनोटाइप की। उसके बाद ये दो टर्म और सीख लेते हैं, डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट। तो किसी हिट्रोजाइगस जीनोटाइप में कोई एक ही फेनोटिपिक एक्सप्रेशन आता है। हिट्रोजाइगस ट्रेट में दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। हिट्रोजाइगस जो जीनोटाइप है उसमें दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं अलील की, लेकिन जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा तो उस अलील को हम डोमिनेंट अलील कहेंगे। जैसे जब किसी पी प्लांट का जो जीनोटाइप है वह है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो केवल कैपिटल टी ही एक्सप्रेस होगा, स्मॉल टी एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाएगा कैपिटल टी की प्रेजेंस में। तो जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट ट्रेट है, और हिट्रोजाइगस कंडीशन में ही जो ये जो स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसको फिर हम रेसेसिव ट्रेट कहेंगे। तो ये कब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा। दोनों अलीलिक फॉर्म्स अगर स्मॉल टी होंगी किसी ऑर्गेनिज्म में, तभी स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और वह ऑर्गेनिज्म फिर शॉर्ट होगा। तो ये दो बातें करी हमने डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट के बारे में। एक और टर्म बताते हैं आपको, वाइल्ड या म्यूटेंट अलील्स, वाइल्ड एंड म्यूटेंट अलील्स। जो ओरिजिनल अलील होता है, जब इवोल्यूशन हो रहा था, जो पहला जो जेनेटिक फॉर्म, सबसे पहला जो ओरिजिनल जो इवॉल्व हुआ था,
तो उस जेनेटिक फॉर्म को हम कहते हैं वाइल्ड अलील, और यह किसी भी पॉपुलेशन में हमेशा डोमिनेंट होता है। तो जैसे हम पी प्लांट की बात करें तो ये जो हाइट के लिए जो पहला जीन इवॉल्व हुआ होगा वह कैपिटल टी ही इवॉल्व हुआ होगा, और कैपिटल टी में जब म्यूटेशन हुआ तो दूसरी एलीलिक फॉर्म बन गई स्मॉल टी। तो जो म्यूटेंट फॉर्म्स होती हैं, जो ओरिजिनल अलील के म्यूटेशन से जो अलील्स बनते हैं उन्हें हम म्यूटेंट अलील कहते हैं, और जो सबसे पहले जो अलीलिक फॉर्म इवॉल्व होती है और वह डोमिनेंट भी होती है तो उसे हम वाइल्ड अलील कहते हैं। अब एक और बात बताते हैं आपको कि ये जो वाइल्ड अलील होता है, ये जो म्यूटेंट अलील होते हैं, इनके एक से ज़्यादा फॉर्म्स हो सकती हैं। अब इस बात को समझते हैं कि पी प्लांट की अगर बात करें तो हाइट के लिए इसके पास केवल दो अलीलिक फॉर्म्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी कि जो म्यूटेंट अलील है वह पी प्लांट के केस में हाइट के लिए केवल एक है, दैट इज़ स्मॉल टी। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में आई कलर की बात करें, तो जो ओरिजिनल अलील रहा होगा वो ब्लैक रहा होगा, ब्लैक कलर की आई। अब उसकी जो म्यूटेंट फॉर्म्स आई जिसकी वजह से आई कलर, बहुत सारे आई कलर इवॉल्व हुए, ब्लू आई कलर, ग्रीन, ग्रे, बहुत तरह के आई कलर जो इवॉल्व हुए, तो वह सारे अलील्स म्यूटेंट अलील्स हैं और एक से ज़्यादा हैं। ये कुछ हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस करे जो आगे की जब हम जेनेटिक्स की स्टडी करेंगे तो उसे समझने में बहुत हेल्प करेंगे। तो पार्ट टू में हम मेंडलिज्म डिस्कस करेंगे।